कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांकेर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को कांकेर में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर किया। इस मुठभेड़ के बारे में सवाल पूछने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए हैं, हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, उन सबको हमारी संवेदना है, इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का ये निष्कृष्ट बयान लोकतंत्र पर प्रहार है, सुरक्षा बलों के मनोबल और पराक्रम पर प्रहार है, छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। नक्सलियों को शहीद मानने वाली कांग्रेस ने 5 साल बस्तर में इसी मानसिकता से कार्य किया है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है, ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है, देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है, ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंका था, ये बयान उसको समर्थन करने वाला है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।